Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par payroll mein ek aur PDF main aapke liye laya hu jisme kuch 4 questions ke lagbhag main aapko aur explain karne wala hu. Kuch queries aap logo ki reh gayi thi aur usi se related aaj main aapko wo topic clear karane wala hu. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो HRA, TADA जो भी हमारे अलाउंसेज हैं जो हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज हैं। यहाँ पर HRA जो हमें निकालना है वो डिपेंड है बेसिक सैलरी पर। अगर बेसिक सैलरी 10,000 से कम होती है, 10,000 भी होती है तो 20%, 10,000 से 30,000 के बीच होती है तो 15%, और 30,000 से ज़्यादा होती है तो 10% आपको दिया जाएगा। ये चीज हम एक्सेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सी टू सेल में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले ग्रेटर देन वैल्यू से हमें चालू करना होता है। 30,000 से अगर ज्यादा है तो 10%, 10,000 से ज्यादा है तो 15%, और 10,000 से कम होने पर 20%, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसी के आधार पर हम अब अपना नेक्स्ट जो अलाउंस है डियरनेस अलाउंस वो दिया गया है 35% बेसिक सैलरी का और सब्जेक्ट टू मिनिमम 6,000। इसका मतलब है 6,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी सैलरी जितनी भी मर्जी हो, और वो अगर 2,500 या 3,000 भी बैठता है आपका डीए तो आपको मिनिमम तो 6,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम आपका जितना मर्जी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मिनिमम कंडीशन में मैक्सिमम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से करेंगे आइए वो एक्सेल में देख लेते हैं। तो जो हम डी टू सेल में फॉर्मूला पुट करेंगे वो हम करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि 6,000 तो हमें देना ही देना है और मैक्सिमम 35% जितना मर्जी हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6,000 तो मैक्सिमम दिया ही जा रहा है अगर 8,000 रुपये बेसिक सैलरी है, जबकि 8,000 का 35% अगर आप देखें तो कितना होता है हम देख लेते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई 35% से तो ये बैठता है 2,800 रुपये। तो इसका मतलब एम्प्लॉय को 2,800 रुपये नहीं दिया जाएगा, एम्प्लॉय को दिया जाएगा 6,000 रुपये मैक्सिमम। इसी तरीके से जहां मैक्सिमम बैठेगा वो मैक्सिमम तो उसे मिलेगा ही, लेकिन मिनिमम 6,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हमारी क्वेरीज में दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर बेसिक सैलरी 10 या 10 से कम है तो कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा, वो जीरो रहेगा। और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर 1,000 रुपये आपको ईए मिलेगा। इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो E2 सेल में हम फार्मूला लिखेंगे या E3, E4, उसमें हमें क्या क्या करना है, हमें सिर्फ अपना बेसिक सैलरी तो चेंज करना ही है सेल नंबर। यहाँ पे B2 में अगर 10,000 या उससे कम है तो हमने जीरो अप्लाई करा, इसका मतलब अगर 10,000 से कम होता है तो कोई ईए नहीं मिलेगा, और अगर B2 की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा रहती है तो फिर 1,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर 8,000 रुपये होने के कारण 0 रुपये है और बाकी में 10,000 से ऊपर वैल्यू है तो सभी को ईए 1,000 रुपये मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिडक्शन, और डिडक्शन हम देख लेते हैं। पीएफ जो काटा जाएगा वो बेसिक प्लस डीए का 8% आपका काटा जाएगा, और जो ग्रोस आपका नीचे सैलरी डिफाइन है रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस ईए, तो सभी अलाउंसेस आपको जोड़ देना है बेसिक के साथ और पीएफ आपको निकाल लेना है। आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले अगर हम ग्रोस सैलरी की बात करें F2 सेल के अंदर तो सारे के सारे अलाउंसेस प्लस बेसिक सैलरी को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। आप चाहें तो सम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए भी B2 से E2 तक की रेंज को जोड़ सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरीके से लिखिए या सम से लिखिए आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई आपका डिडक्शन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं पीएफ कैसे काटा जाएगा। तो पीएफ जो काटा जाएगा G2 सेल के अंदर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि B2 प्लस C2, C2 को नहीं लेना क्योंकि हमें जो कंडीशन में बताया गया है वो हमारा डीए के अकॉर्डिंग है और हमने C2 गलती से जोड़ दिया था। फिलहाल हमें क्या करना है, B2 प्लस D2 जिसका मल्टीप्लाई 8% आपको निकालना है, यानी कि बेसिक प्लस डीए का जो कि हमें गिवन है कंडीशन में। उसके बाद दिख रखा है हमारा आईटी जो हमारा इनकम टैक्स है वो 20% है ग्रोस सैलरी का, तो वो भी हम, तो ग्रोस सैलरी जो हमारी है
वो एफ कॉलम में है और हम एफ टू के बेस पर एच टू में पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, एफ टू मल्टीप्लाई 20%। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल नेट सैलरी निकलेगा वो निकलेगा ग्रोस सैलरी यानी कि एफ टू माइनस जी टू, क्योंकि पी एफ डिडक्ट होगा, माइनस आपका इनकम टैक्स। तो नेट सैलरी हमारी जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ टू माइनस जी टू माइनस एच टू, जो कि होगा आपका आई टू सेल के अंदर। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस को देखा और एज पर कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें, सारे अलाउंसेस और डिडक्शंस को यूज किया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, जहां पर हमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं और उनके इनकम के अकॉर्डिंग, उनके फादर के इनकम के अकॉर्डिंग कुछ ग्रेड्स वगैरह उन बच्चों की दी गई हैं और सब्जेक्ट क्या क्या मिलेंगे और उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, उस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर ग्रेड ए मिलता है स्टूडेंट को तो सब्जेक्ट मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंट, ग्रेड बी मिलता है तो ऑफिस मैनेजमेंट, सी मिलता है तो बिजनेस मार्केटिंग और डी मिलता है तो इकोनॉमिक्स। ये कंडीशंस ग्रेड, तो यहाँ पर डी टू सेल में जो हम फॉर्मूला लिखना है या डी थ्री या डी फोर में, वो यहाँ पर ग्रेड्स के अकॉर्डिंग हमें लेना है और ग्रेड हमारी सी कॉलम में है। आप देख सकते हैं हमने जो कंडीशन लगाई है, इफ सी टू की वैल्यू अगर ए होती है तो फाइनेंशियल अकाउंट मिलेगा, सी टू की वैल्यू अगर बी होती है, और ये जो ए और बी हम ले रहे हैं ये डबल इन्वर्टेड कोमा में लेना है क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू को हम चेक करा रहे हैं और वो कैरेक्टर वैल्यू डबल इन्वर्टेड कोमा से ही चेक होती है, और जो मैसेज है हमारा वो भी कैरेक्टर में है इसलिए हम उसे भी डबल इन्वर्टेड कोमा में अप्लाई कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, अगर बी हमारा ग्रेड होता है तो ऑफिस मैनेजमेंट मिलेगा, सी ग्रेड अगर होता है तो बिजनेस मार्केटिंग मिलेगा, और अगर डी ग्रेड होता है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिनकी सैलरी 10,000 तक है उनको मिलेगा 10% इनकम का, और जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है उनको मिलेगा 100%, लेकिन मैक्सिमम जो मिलेगा वो मिलेगा 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम तो जितना मर्जी हो सकता है लेकिन आपका मैक्सिमम 15,000 मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को भी। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग करी है जो मैक्सिमम है यानी कि 10,000 तक से अगर ज्यादा होता है तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, जैसा कि पीछे अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम की बात हुई थी तो हमें कितना लेना था, और यहाँ पर भी बात हुई है कि 15,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, मिनिमम तो जितना होगा 100% मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर मिनिमम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैक्सिमम बोला था तो हमें मिनिमम फार्मूला लगाना है कि 15,000 आपका मिनिमम तो मिलेगा ही अगर 100% 15,000 से ज्यादा हो जाता है। तो सपोज सैलरी है 22,000 रुपये, तो आपको इसका मतलब 100% 22,000 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पूरा 15,000 रुपये, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ मिनिमम कंडीशन का इस्तेमाल करा है कि 15,000 से अगर वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो 15,000 आपका मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, वरना जो भी 100% होता है वो आपको मिलेगा जो भी इनकम दी गई है। और अगर 10,000 से ज्यादा होता है तो दूसरी कंडीशन में हमने क्या दिया है, बी टू का 10%, यानी कि जो भी आपकी इनकम है उसका 10% आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप रिपोर्ट अगर देखें 14,000 वाले को 14,000 रुपये मिल रहे हैं पूरा 100%, 15,000 वाले को 15,000, 18,000 वाले को भी 15,000 मिल रहे हैं, 22,000 वाले को भी 15,000 मिल रहे हैं, और 9,000 वाले को 900 रुपये, क्योंकि 10% स्कॉलरशिप की बात की गई है। तो यहाँ पर हम अपने दो क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कोड यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो कंडीशन है डीएनएस अलाउंस की, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल या उससे कम का है उनको बेसिक सैलरी का मिलेगा 80%, और जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर है उनको मिलेगा 200%, यानी कि जो उनकी सैलरी होगी उनका डबल, लेकिन 25,000 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम की बात हुई है तो हमें मिनिमम यूज करते हुए 25,000 कोमा करके अपना बेसिक सैलरी का 200% लेना होगा, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन टू में देखा था। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया है एफ टू सेल के अंदर, और जो बेसिक सैलरी हमारी दी गई है
वो E2 सेल में है, ये टेबल आपको एग्जाम में दिखाई देगी और सेल नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस यहाँ पर सी कॉलम में दिया गया है और कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 या 5 से कम जिनका एक्सपीरियंस है उनको मिलेगा 80%। तो हमने लास्ट में ये कंडीशन अप्लाई करी है और स्टार्टिंग में ज्यादा से स्टार्ट करा है कि अगर 5 साल से ज्यादा जिसका एक्सपीरियंस होता है तो मिनिमम 25,000 और आपका जो भी 200% होगा उसमें से ले लिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें पहले में तो 5 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है तो 80% दिया जा रहा है और 12,000 का 80% 9,600 रुपये। और यहाँ पर 25,000 जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वहां पर डबल सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कंडीशन तो है वो है दुगने की, लेकिन मिनिमम सैलरी जो मिलेगी उनमें से 200% अगर ज्यादा हो जाता है 25,000 से तो फिर आपको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कंडीशन हम पीछे भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अब बात करते हैं एचआरए के बारे में। यहाँ पर कंडीशन जो दी गई है 70% जो दी गई है यहाँ पे एचआरए, अगर सैलरी और या एचआरए के बारे में बोला गया है एचआरए पेबल है तो हमने यहाँ पर एक कॉलम देखा था, आप देख सकते हैं एचआरए एप्लीकेबल, जहां पर हम वाई कर देंगे इसका मतलब वहां पे एचआरए मिलेगा और जहां हम एन कर देंगे वहां एचआरए नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले को भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहां पर हम एचआरए को कैलकुलेट कर चुके हैं, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूं कि अगर D2 सेल में वाई है यानी कि एचआरए एप्लीकेबल यस है तो आपको जो बेसिक सैलरी है जो कि ई सेल के अंदर है, E2 सेल पे हम वर्क कर रहे हैं उसका मिलेगा 70%। और अगर D2 सेल में होता है नो तो आपको एचआरए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर दिया गया है 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर एन 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 हमने डिफाइन करा था तो उसका एचआरए भी आ रहा है 0,000 रुपीज। और जिस जिस का हमने वाई करा था उन सब का एचआरए यहाँ पर निकल चुका है। और ग्रोस के लिए आपको पता ही है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए हमें लगाना है और आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे E2 प्लस आपका F2 प्लस आपका G2 और यही फॉर्मूला हमें नीचे तक फिल करना है। आप यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं और पेपर में तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना ही है फॉर्मूले को। आपको यहाँ पर इस तरीके से सेल के जो नाम है E5 प्लस F5 प्लस G5 इस तरीके से आपको वहां सीट्स पर एक्सप्लेन करना है। तो ग्रोस तक अब हम अपना काम कर चुके हैं, आइए अब देखते हैं एनपीएस की कंडीशन। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो कि 15% दिया जाएगा ग्रोस सैलरी का और ये हमारे डिडक्शन में आएंगी। तो आइए देख लेते हैं इसको 15% कैसे कैलकुलेट करें। यहां पर सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वल का साइन लगाते हुए, जो भी हमारी ग्रोस सैलरी का सेल नंबर है उसका 15% दे दिया जाएगा यानी कि H2 मल्टीप्लाई 15%। और हर सेल में आपको सिर्फ सेल का नंबर बदलना है, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा। आगे जो दिया गया है इनकम टैक्स 30% है ग्रोस राउंडेड, यानी कि अगर आपका डेसिमल में आ जाता है अमाउंट तो फिर आपको उस केस में 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देख लेते हैं अगर हमारे डेसिमल में आता है तो हम फिर वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 30% हमें निकालना है। 30% निकालने के लिए हमें अपना ग्रोस सैलरी का मल्टीप्लाई कर देना है 30% से और यहाँ पर हम इसे ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सरचार्ज लगेगा 2% अगर आपका इनकम टैक्स की वैल्यू 12,000 से ज़्यादा चली जाती है। तो यहाँ एक्सेल के अंदर आप देख सकते हैं कहीं कहीं इनकम टैक्स 9,000 रुपये है, कहीं 16,680, यानी कि 12,000 से जहां जहां ज्यादा है वहां जो सरचार्ज लगेगा 2% लगेगा। तो आप कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, इफ आपका जो सेल नंबर है वो J2 से आप स्टार्ट करेंगे, अगर J2 की वैल्यू 12,000 से ज्यादा होती है तो आपको यहाँ पर देना है J2 का ही 2% एक्स्ट्रा। और अगर J2 की वैल्यू 12,000 से कम रह जाती है या 12,000 भी होती है तो फिर आपको यहाँ पर कोई सरचार्ज नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं 12,000 से ज्यादा होने पर इनकम टैक्स का 2% और 12,000
या उससे कम होने पर आपका इनकम टैक्स आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है। तो 9000 रुपये जो हमारा था उस वजह से सरचार्ज नहीं आया। अगर हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहां जहां वैल्यू 12000 से ज्यादा जा रही है वहां पे सरचार्ज निकल के आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये यहां पर भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि के टू सेल में आपको जो फॉर्मूला लगाना है सरचार्ज के लिए, अगर आपके सेल की वैल्यू ज्यादा चली जाती है, हमने J3 वैल्यू से कैलकुलेट करा है जहां पे 336.60 रुपए का टैक्स आ रहा है, तो 12000 से ज्यादा होने पर 2% और 12000 या उससे कम होने पर आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है, इसलिए 0 रुपए यहां पर आ रहा है। अब टोटल टैक्स अगर हम निकालें तो टोटल टैक्स आपका होगा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, और अगर कोई सरचार्ज नहीं होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, वरना जुड़ने के बाद फाइनल आपका टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज दिखाई दे जाएगा, यानी कि जे कॉलम की वैल्यू प्लस के कॉलम की वैल्यू। तो 3 क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं अपना अच्छे से, और होपफुली आपको ये क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन आपके लिए है। ये 4th क्वेश्चन में आपको ग्रेड पे कैलकुलेट करना है जो कि बेसिक सैलरी का 50% है। डीए आपको जो निकालना है बेसिक सैलरी प्लस ग्रेड पे का 50%, अगर आपकी सैलरी 30000 तक है, और आपकी सैलरी अगर 30000 से ज़्यादा और 50000 तक है तो 25%, और आपकी सैलरी ज़्यादा अगर 50000 से है तो 20%। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है और हम इसे फार्मूले को पहले भी कई बार कर चुके हैं। एचआरए आपको कैलकुलेट करना है बेसिक प्लस जीपी प्लस डीए का, ये आपको निकालना है अगर एचआरए पेबल यस होता है, जो कि हमने पिछले अभी क्वेश्चंस में देखा था यस वैल्यू होने पर क्या हो और नो वैल्यू होने पर जीरो दिखाई दे। बोनस आपको देना है 10% अगर सेल्स अचीव हो जाती है, और सेल्स टारगेट यानी कि सेल्स टारगेट की वैल्यू आपकी अचीव हो जाती है तो आपको मिलेगा 10%। ये आप कैलकुलेट करेंगे, अगर वैल्यू जीरो आती है दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे इसका मतलब सेल्स आपकी अचीव हो चुकी है, अदरवाइज आपको 10% नहीं मिलेगा। और टैक्स आपको निकालना है 20% जो भी आपका ग्रोस निकल के आता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। होपफुली आप सभी क्वेश्चंस को अब अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, और आने वाले क्वेश्चंस में हम लोन शीट के बारे में पढ़ेंगे। और लोन शीट से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस मैं उसी टॉपिक पर आपको क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।